हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआईवाई क्राफ्ट विद सिल्विया। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो क्या आपके पास भी इस तरह के फटे पुराने वेस्ट कपड़े पड़े हुए हैं? तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा यूजफुल आइडिया जिससे कि आप बेकार फटे पुराने वेस्ट कपड़ों का इस्तेमाल करके घर में ही गद्दा बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गद्दा या मैट्रेस बनाने के लिए ये पुरानी साड़ी का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि मेरे पास ऐसे ही रखी हुई थी। आप इसकी जगह कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं या फिर पुरानी बेडशीट वगैरह होती है उसका इस्तेमाल भी आप गद्दा या मैट्रेस बनाने के लिए कर सकते हैं। तो जिस भी साइज का हमें गद्दा या मैट्रेस बनाना है बस उसी के अकॉर्डिंग हमें पीस कट करके रखना है। तो ये पूरी लेंथ की हमारी साड़ी है, इसमें से मैं एक पीस कट कर लूंगी जितना भी मुझे गद्दा बनाना है। तो ये पीस मैंने कट करके रख लिया है। इसको मैं अभी सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से फोल्ड करके रखूंगी, इस तरह से फोल्ड करके रख लूंगी इसको मैं सीधी साइड अंदर की साइड हमें रखना है इस तरह से। तो ये पीस मैंने फोल्ड करके रख लिया है। तो ये हमारा ओपन साइड है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और हमें दोनों साइड इसमें सिलाई लगानी है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से ऊपर से स्टार्ट करना है और यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो दोनों साइड हमने इसमें सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी साइड भी हमने ऊपर से स्टार्ट करते हुए यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा ली है। और ये हमारा ओपन साइड है, बस यहीं से हमें इसको इस तरह से सीधा करना है। तो इस तरह से इस पीस को हमने सीधा कर लिया है। तो ये हमारी ओपन साइड है। अब हम इस पीस की मार्किंग करेंगे। तो अच्छे से हमने इसको इस तरह से रख लिया है। तो 4 से 5 इंच के बॉक्सेस हमें इस पीस पे बना के तैयार करने हैं। तो इस तरह से इंच टेप को रख लेंगे और 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक्स्ट भी हमें इसी तरह से 5 इंच का बॉक्स बनाना है। तो सारे बॉक्सेस हमें 5-5 इंच के इस पीस पे बना के तैयार करने हैं। तो सारे बॉक्सेस हमने बना के तैयार कर लिए हैं। तो सारे ही बॉक्सेस हमने 5-5 इंच के बना के तैयार कर लिए हैं। तो सारे बॉक्सेस अगर हमारे बराबर के होंगे तभी हमारा गद्दा या मैट्रेस बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो जितनी भी लाइनें हमने ड्रॉ की हैं बस इन पे हमें सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो जितनी भी लाइनें हमने ड्रॉ की थी उन पे हमने सीधे सीधे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है और इस तरह के ये बॉक्सेस हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो अब ये जितने भी बॉक्सेस हैं इन सबको हमें फिल करना है। अगर आपके पास पुरानी कॉटन या फोम वगैरह हो तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सिलाई से बची हुई कुछ कतरन है और कुछ पुराने कपड़े थे, इन सबको मैं इसमें फिल करूंगी। तो 1 by 1 हमें बॉक्सेस को फिल करते जाना है इस तरह से।
तो बस इस तरह से हमने ये 3 बॉक्सेस फिल कर लिए हैं। बस इसी तरह से हमें सारे बॉक्सेस को फिल करके तैयार करना है। तो सारे ही बॉक्सेस को हमने फिल कर लिया है। अभी ये ओपन साइड है, इसको भी हम सिलाई लगा के तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसमें बॉर्डर भी बना सकते हैं, तो मैं इसमें सीधे सीधे सिलाई लगा के इसको तैयार करूंगी। तो अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सुई और धागे की मदद से इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और सुई और धागे की मदद से इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो आप चाहो तो इसको मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको पूरा सिल के कंप्लीट कर लूंगी। तो ओपन साइड को हमने सिलाई लगा के पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गद्दा है वो परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। तो जितने भी हमने इसमें कपड़े फिल किए हैं वो अच्छे से दबा दबा के हमने फिल किए और सीधे सीधे बस साइड में सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो बस हमें इसमें इतना ध्यान रखना है कि जितने भी बॉक्सेस हम बना रहे हैं वो सारे हमारे बराबर के हों, जिससे कि हमारा गद्दा या मैट्रेस है वो परफेक्ट बन के तैयार हो। तो बस इसी आइडिया से आप योगा कारपेट या फिर बिग साइज गद्दा भी आसानी से घर में बना सकते हैं। तो फटे पुराने बेकार वेस्ट कपड़ों को हमने कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया है आप देख सकते हैं। तो बस जितनी भी साइज का आपको गद्दा या मैट्रेस बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप पीस कट कर लीजिएगा। आप पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, पुरानी साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस सिंपल तरीके से आप गद्दा बना के घर में तैयार कर सकते हैं। तो वेस्ट पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स वेस्ट मटेरियल पे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।